नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बीएड वालों के लिए अभी भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से पिछले दिनों फैसला आया था, जिसमें ये कहा गया था कि बीएड डिग्री धारक जो हैं वो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, और जिसके बाद कहीं ना कहीं वो परीक्षा में तो बैठे थे, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा भी ये कहा गया था कि बीएड वाले परीक्षा दे लेकिन परिणाम की इच्छा ना करे, फल की इच्छा ना करे, जिसके बाद अब बिहार सरकार जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है और बोला है कि आखिर बीएड वालों का क्या होगा। इसी पे लेकर जो है बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के लिए बंपर वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन बीएड डिग्री धारियों के बीच अभी भी मायूसी छाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारियों को नियुक्त करने पर रोक लगा दिया था, जिसका बड़ा प्रभाव जो है बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे उन पे पड़ा। वहीं अब उनकी एक उम्मीद जागी है, क्योंकि बिहार सरकार अब इस मामले में अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर कर कहा है कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की स्पेशल अपील याचिका दायर की है। बिहार सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कराना चाहती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो है वो आ रहा है। आदेश ये था कि बीएड वाले जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं, जिसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। और बिहार सरकार का कहना है कि 1,70,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है उसमें बीएड वालों को भी मौका दिया जाए। जिसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है कहीं ना कहीं बाधा डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद बीएड डिग्री वाले आवेदकों को भी प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पे नियुक्ति नहीं हो। प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया था कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्राथमिक शिक्षकों के पद पर जो है बीएड डिग्री धारकों को योग्य नहीं माना जाएगा। इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय मांगी थी। शिक्षा विभाग के महाधिवक्ता से भी सलाह मांगी गई थी, और इसी सलाह के बाद जो है शिक्षा विभाग के आईएएस के पाठक जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। और इससे पहले जो है ये कहा गया था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे, जिसके बाद शिक्षा विभाग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है और कहा है कि इस 1,70,000 में बीएड वालों को भी मौका मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।